प्यारे बच्चो, अज आपां तुहाडी प्लस टू की जनरल पंजाबी की पाठ पुस्तक विच नीली कहानी का अध्ययन करांगे। पहला आपां दो लैक्चर विच इसका अध्ययन किया, तो हुण जड़ा है इसका तीजा लैक्चर मैं तुहानू अध्ययन ते देण जा रहा हाँ। तो मैनू उम्मीद है कि तुसी जड़ा है काम बड़े गंभीरता पूर्वक कर रहे हो, बड़ा मतलब जड़ा है ओ इस चीज नू जड़ा है ओ बड़ी गंभीरता दे नाल जड़ा तुहाडी स्टडी नू लै रहे हो। ते ए जड़ा तीसरा लैक्चर बेटा तुसी ध्यान करो, बाकी बचदी कहानी जड़ी है ओ मैं तुहानू हुण कराण जा रहा हाँ। ते कोरोना वर्गी महामारी दे विच जड़ा तुसी घर दे विच रह के ते अपनी जड़ी पढ़ाई जड़ी है तुसी बिलकुल जारी रखनी है, किसी तरह का विसलापन नहीं दिखाना। ए लैक्चर तुहाडा जड़ा है अपने स्कूल दे बने यूट्यूब चैनल G SSS बॉयज गुरू रसाए ते अपलोड किया जा रहा है, ता जो सारा विद्यार्थी वर्ग इस दा फायदा उठा सके। इस चैनल नू सबसक्राइब करो, शेयर करो अते वध तो वध लाइक करो ते अपने यारां दोस्तां नू पहुंचाओ। अगे आपां कंटिन्यू कर रहे हां। ग्वाला क्रोध विच उठिया, एक नज़र उस नीली वाल देखा। नीली बेटा गां है, इस दे विच गां दी गल कर रहा है। उदियां नज़रां विच गजब सी, एक सा नीली मसाले नू खा रही सी जिवें कुछ होया ही नहीं हुंदा। गां भुखी सी ते ओ जड़ा है चारा वगैरा तेजी नाल खा रही सी, ते ग्वाले ने अगे वध के मसाले दी टोकरी नू खो लिया ते उस नू सिर ते रख तेज तेज कदम मुड़ तुरिया। नीली उत्थे दी उत्थे खलोती गर्दन मोड़ ग्वाले नू वेखन लग पई। ओ ते मसाले दी टोकरी चुकी वाहो दाही जा रहा सी, वाहो दाही बड़ी तेजी दे नाल। दूर कोठी दे गेट कोल जदों ओ पुज्जा, नीली उड़ीकी जिवें कि उस नू बुला रही होवे। ग्वाले ने परवाह नहीं कीती, जदों हथ वधा के ओ गेट नू खोलन लगा नीली ने फिर उड़ीक के जिवें ओनू बुलाया। ग्वाला गुस्से विच कोठी तों बाहर हो गया। इत्थे जड़ी नीली जड़ी सी उसदी बच्ची जड़ी मर जाण दे करके नीली ग्वाले नू दुध नहीं दे रही सी। पहला उसने बड़े प्यार दे नाल उसनू पसमाउण दी कोशिश कीती, उसनू दाना वगैरा पाया, चारा पाया, उसदे हथ फेरे, पूछ ते हथ फेरिया, मूह ते, पिठ ते, शरीर ते हथ फेरे, पर नीली ने जड़ा सी ओ तारा ना लाइया। ते फिर ग्वाले ने जड़ा इसे करके गुस्से दे विच जड़ा है उसदे अगों ओ जड़ा दाना वगैरा ते चारा वगैरा जड़ा चुक के ते बाहर जड़ा उसनू लै गया। किन्ना चिर उंज ही उंज मेहंदी हेठ खलोती बुथी चुकी नीली गेट वल वेखदी रही जिवें ग्वाले नू उड़ीक रही होवे। विच विच नीली कदी कदी उड़ीकदी जिवें ग्वाले नू आवाजां दे रही होवे, जिवें नीली ओनू कह रही होवे मेरे मालक तेनू क्यों नहीं समझ आउंदी, अजे ते दो दिन नहीं होए मेरी बच्ची नू मोया, मेरी कुखों जाई मेथों खो लई गई है। खोण तो भाव इत्थे है भी ग्वाले ने लुड़िंदी मात्रा दे विच जड़ा है बच्ची नू दुध नहीं छड्या सी, इस करके भुखमरी दा शिकार होके ते ओ बच्ची मर गई सी। ते गां दे नीली दे यही भाव जड़े ने इत्थे प्रगट हुंदे हन कि उसदी बच्ची नू रब ने नहीं सगों ग्वाले ने खोया है, भुखा मार के खोया है। मेरी अंदर हाय ओदी याद विसारिया नहीं विसरदी, इस पेट भेड़े दा की करा। हां जी, कल भी बेटा मैं तुहानू दस्या सी भी बंदा भुखा चाहे पशु है, जानवर है, व्यक्ति है, जेकर इन्हां दे बच्चां दा किसी सके संबंधी दा होर दी मौत हुंदी है तां इन्हां नू दुख बहुत ज्यादा हुंदा है, ते ओ कुछ समय तक तां रोटी पानी मतलब त्याग सकदे आ, छड सकते हैं, लेकिन भुख दे अगे ये जिद जिहड़ी ये लंबे समय तक नहीं चलती। ते नीली दे विच वी गां दे विच वी यही भावनावां व्यक्त हो रही हैं कि वह आप दे पेट का की करे, जिहड़ी कि वह किन्ने देर भुखी रह सकती है, भुखी नहीं रह सकती। इस विच ते झुलका पाना ही होया,
अज तीन दिनां दी मैं भुखी पानी डिक डोले पई खांदी हां, तैनू क्यों समझ नहीं आउंदी। इन्हां थनां नूं मेरी लाडली दे पोले पोले होंठ जदों लगदे सन ते अपने आप ही मेरा दुध ले आउंदा सी। इंज तुस्सां मारदी सी लाड विचो कि मेरी खीरी नूं, तैनू नहीं पता मां बच्चे दा की रिश्ता हुंदा है। मैं नहीं कहिंदी कि मैं उसनू भुल्लांगी, नहीं मैं उसनू भुल जावांगी। भी मरे व्यक्ति नूं, मरे जानवर नूं, होर नूं जिहड़ा कोई ज्यादा लंबे समय तक असीं जिहड़ा अपनी याद दे विच नहीं रख सकदे, क्योंकि जिहड़ी इह पीड़ा, जेकर इह जेकर असीं इस तरह करदे हुंदे तां साडी जिहड़ी पीड़ा जिहड़ी है मरे व्यक्ति दे लई जिहड़ी है ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਿਆਂਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਖਬਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਂਬ ਚਾਂਬ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਆ, ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।